अपना पेट काट कर बचे हुए खाने को यहाँ रखने मात्र से आपके जीवन में दाम्पत्य सुख, मैरिटल सुख, शादीशुदा लाइफ का सुख और आपके प्यार का सुख 100% मिलता है। ये कैसा टोटका है, ये कैसा विधान है जिसे आदिकाल से आज तक निरंतर लोग करते रहे हैं। औघड़ तांत्रिक, बड़े 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 तांत्रिक जो बहुत अच्छे तंत्र के जानकार हैं, वो इस विषय को बहुत बाखूबी तरीके से करते हैं। खाना ही एक ऐसा है जिसको अगर बहुत समय तक कहीं रख दिया जाए तो उसमें जीव बढ़ जाता है। ये ताकत है इसके अंदर, ये क्षमता है इसके अंदर, जीवनोपयोगी ताकत है ना ये। इसे प्यार में कैसे सदुपयोग कर सकते हैं वो जानना। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी, आपका बहुत स्वागत करता हूं। भगवान शिव दाम्पत्य जीवन को सुख प्रदान करते हैं। भगवान कृष्ण प्रेममयी व्यवस्थाओं को एक साथ संलग्न करते हैं, प्रेम का पहला आयु कहते हैं। यानी अगर देवताओं की हम बात करें तो सारे के सारे देवी देवता प्रेम का कहीं ना कहीं संदेश दे रहे हैं, प्रेम का दर्शन और प्रदर्शन दे रहे हैं। जहां पर भी ये मूर्तियां हैं, सब की सब मूर्तियां अपने अपने पार्टनर के साथ हैं, एकाकी मूर्तियां नहीं है। शिवलिंग में भी जो नीचे का अर्घा है वो माता पार्वती है और ऊपर की जो शिवलिंग है वो बाबा शिव, दोनों साथ हैं। भवानी शंकर बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिनो याभ्याम बिना न पश्यन्ति श्रद्धा शांतस्त्वमीश्वरः। हर देवी देवता अपने अपने के साथ है। अन्न दुनिया का पहला देवता है। आज हम क्या कह रहे हैं, अपना पेट काटकर अपनी थाली से ये भोजन बचा करके यहां रख रहे हैं। अपना पेट काटकर ये बचा हुआ भोजन, बचा हुआ खाना, बची हुई खाद्य सामग्री यहाँ रख देनी है। ऐसा करने मात्र से आपके जीवन के पूरे संकट मिट जाते हैं। आपके घर में दोष हो, झड़ाई लड़ाई झगड़ा हो, विवाद हो, फसाद हो, आपस में द्वंद हो, बनती नहीं हो, बरकत नहीं हो, धन की कमी हो, प्रेम की कमी हो, किसी भी चीज की कमी हो, चुटकियों में खत्म हो जाते हैं। सबसे ज्यादा फायदा करता है प्रेम प्रसंग में, सबसे ज्यादा फायदा करता है वैवाहिक जीवन में, सबसे ज्यादा फायदा करता है दाम्पत्य लाइफ में, मैरिटल लाइफ में, वैवाहिक सुख के लिए सबसे उत्कृष्ट है ये उपाय। क्योंकि पाक शास्त्र कहता है कि हमेशा माताएं भोजन बनाती हैं। कोई भी लड़की, स्त्री या कोई भी तब भोजन के लिए परिपक्व माना जाता है जब वो वैवाहिक हो, क्योंकि वो अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, अपने परिवार के लिए भोजन बनाता है। पाकशास्त्र में माता अन्नपूर्णा की कृपा मानी जाती है। अन्नपूर्णा के बराबर प्रेम किसी में नहीं है। जिस चीज का अभाव न होने पाए, अगर आप चाहते हो कि आपके घर में कभी भी अन्न की कमी ना हो, कभी कोई मेहमान आए और कोई चीज कम ना पड़े, तो ऐसे में लोग अन्नपूर्णा का नाम लेते हैं, अन्नपूर्णा का पूजन करते हैं और अन्नपूर्णा का व्रत भी करते हैं। ऐसे घरों में संपदा, वैभव और यस मान कीर्ति बहुत बढ़ती है। अब बढ़ने का नाम क्या है, प्रेम भी तो बढ़ना चाहिए, रिलेशनशिप में वो कनेक्शन भी तो बढ़ना चाहिए ना। वृद्धि क्रम की जो व्यवस्था है, एक कहावत है कि पेट का रास्ता सीधा दिल में जाता है, या क्यों कहे कि दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है, ऐसे भी कुछ लोग। ये कहावत केवल उतनी सी नहीं है कि अच्छा भोजन पकाने वाले से प्रेम हो जाता है, ये सत्य नहीं है। वरना तो सारे के सारे अभी तक जितने खाम शामा थे सबको किसी न किसी से प्यार हो गया, ये सारे विश्व के लोग उन्हीं के पीछे भाग रहे होंगे, उनसे ही प्यार कर लेते हैं ना। इसका सीधा मतलब ये है, आज हम जो उपाय बता रहे हैं ये उदाहरण इस चीज के लिए बताए। दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है, मतलब पेट की सामग्री से होकर जाता है। जो प्रेम प्रसंग है, जो आपस में रिलेशंस है, जो आपस के संबंध है, या जो परस्पर संवाद होता है पर्सनल लेवल पे, उन सबका वैज्ञानिक तथ्य के आधार पर भी जड़ नाभि कुंड ही है, पेट से होके ही उसका रास्ता जाता है।
और ये रास्ता पेट से होकर के केवल और केवल प्यार का नहीं, प्यार हो, प्रसंग हो, रोमांस हो, शादीशुदा लाइफ हो, वो सबका रास्ता पेट से ही होकर के जाता है। आज इसीलिए कह रहा हूं कि पेट काटकर, पेट काटना मतलब किसे बोलते हैं आपको बताओ? पेट काटना मतलब कटनी करना, पेट काटना बोलते हैं कम खाना। आपकी जो भी भूख हो, जितना आप खाना ले रहे हो उसका कितना परसेंट खाना बचा करके आप रखें कि आप भूखे रह जाए। देखो ये त्याग है, छोटा सा एक टाइम का ये त्याग है कि आप थोड़े भूखे रह जाए, बस वही वाला खाना काम आएगा। ऐसा नहीं कि आप खूब पेट भर के खाएं और उसके बाद थाली में बचा हुआ खाना आप ये उपाय करें तो ये काम नहीं करेगा। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे, अन्नपूर्णा सदा पूर्णता का काम करती है। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे संकल प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थम भिक्षाहम देवी च पार्वती। अतः पार्वती ही अन्नपूर्णा है। आपको करना क्या है कि आज आपको खाना चार बार में, पांच बार में नहीं लेकर के अनुमानित एक बार में खाना ले लेना है जो भी आप खाते हैं, पहला काम। दूसरा एक काम कि आप अपना हाथ पैर मुंह धो करके पूरी तरह से आराम से बैठकर भोजन करें, और ये भोजन आप कुर्सी, मेज, चेयर या बेड पर नहीं कर सकते। इसके लिए आपको जमीन पर अर्थ मिलना चाहिए आपके शरीर को, यानी प्योर जमीन पर बैठना है, आसन भी नहीं बिछाना है। जब आप आसन बिछाए बगैर कोई काम करते हैं तो कहते हैं कुछ लौकिक, कुछ अलौकिक शक्तियां आपके आसपास मूवमेंट करने लगती है। तो आप बिना आसन के जमीन पर अर्थ लेकर के बैठेंगे, अर्थ मतलब उस पर जो जमीन पर नंगी जमीन पर बैठेंगे उस बिना बिछाए, तो उसका अर्थ मिलेगा आपको। आप अपना जो भी आपने कपड़े पहने वो पहने रह सकते हैं, बस आप हाथ पैर धो करके कपड़े चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। अब आपको करना यह है कि अनुमानित एक ही बार में भोजन ले लेना है, एक ही बार में पानी ले लेना है, दोबारा कोई भी चीज उठकर नहीं लेनी है। जो भी आप लेना चाहते हैं एक बार में लेकर रख लीजिए। अब करना यह है कि आज आपके पास बर्तन होने चाहिए दो, एक जिसमें आप खाना खा रहे हैं और दूसरा जिसमें आप निकाल के रखने वाले हैं। तो जितनी बार भी आप निवाला खाएंगे, आधा निवाला खाना है और आधा निवाला उसमें रखते जाना है। हर निवाले का आधा निवाला आप उठाकर साइड रखना है, और ऐसा ही काम पानी के साथ करना है। तो बर्तन कोई ऐसा लीजिएगा जिसमें पानी और ये सब कुछ आप बहुत आराम से रख सकते। ये सारा कुछ लेने के बाद आप हाथ वगैरह भी इसी में ही धोएंगे, इसी में ही स्वच्छ करेंगे, और अपनी थाली धुल करके पानी इसी में डाल दीजिए, इसी बर्तन में। ये बाल्टी हो सकती है, बड़ा टप हो सकता है, कोई भी ऐसा बर्तन ले सकता है। अब ये सब कुछ करने के पश्चात एक कागज में शुरुआत में अम लिखना है, आ के ऊपर बिंदी, और लास्ट में मां के ऊपर बिंदी, और नीचे साइड में ना के ऊपर बिंदी, और ऊपर साइड में या के ऊपर बिंदी, और बीचों बीच में अपने प्रेमी, प्रेमिका, पति पत्नी, जो भी आप जिसको पाना चाहते हैं, हर हाल में अपना बनाना चाहते हैं, उसका नाम लिख करके उसी के अंदर डुबा दीजिए, नीचे अनाज के नीचे डुबा दीजिए, कागज के ऊपर उठ के ना। आप इसे कुछ देर तक अपने घर में रख सकते, पर प्रयत्न करिएगा बहुत देर तक नहीं रखें। बाहर ले जा करके किसी भी बड़े पेड़ के पास में या खड्डा करके या पहले से बने हुए खड्डे में आप डाल सकते हैं, जिस पर कोई भी पशु पक्षी आकर खाए या नहीं खाए वो आपका कोई कंसर्न नहीं है। बस आपको बाहर जाकर के इसको कहीं खड्डे में या किसी पेड़ के पास में रख देना है। रखते समय कोई टोका टाकी ना करे, कोई देखे नहीं, कोई आपको हस्तक्षेप ना करे। रखने के बाद कोई आवाज भी लगाए तो आपको पलट कर नहीं देखना, घर आकर के हाथ पर धो करके बर्तन धो करके रख देना है, बस इतना सा काम करना है। ये उपाय बहुत ज्यादा सार्थक है, बहुत जल्दी प्रयोग काम करता है। इस उपाय को पूरी तरह से करने वाले व्यक्ति को पहली बार सफल होना चाहिए। पूरे मन से उपाय करना, मुस्कुराइए, सुंदर बनिए। हर हाल में अपना ध्यान रखिए, प्रणाम करके आधे घंटे में पानी पीजिए, प्रीवियस लाइफ मत बताना, रोना बिलखना, परेशान होना, उल्टा सीधा सोचना, नेगेटिव थिंकिंग करना एकदम ठीक नहीं है। ये जैसे तो मैं फिर मुलाकात करूंगा, तब तक छोड़कर जा रहा हूं तुम्हें।
उन गलियों में, उन नदियों में, ख्यालों में, विचारों में, जहां सिर्फ और सिर्फ प्रेम है। ओम नमः शिवाय।